कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम पर भाजपा सरकार गरीबों से गंदा मजाक कर रही है। करोड़ों रुपए इस योजना के प्रचार प्रसार में खर्च कर दिए गए हैं और जिन ठेलियों में महज 5 किलो गेहूं बांटा जा रहा है उनके प्रिंटिंग में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। उसकी प्रिंटिंग में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीपीएल धारी गरीबी रेखा के कार्ड धारी हितग्राहियों को उनके परिवार के सदस्यों की संख्या के मुताबिक प्रतिमाह 20 किलो अनाज राशन दुकानों से वितरित किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इन गरीबों को अब राशन दुकानों से 20 किलो की जगह महज 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, जो गरीब बीपीएल कार्ड धारियों के साथ बहुत बड़ा मजाक है। उनको 15 किलो राशन को मोदी सरकार ने हड़प लिया है। यह साजिश है जिसका कांग्रेस विरोध करती है। जी भैया, क्या कहना है? आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में अन्न उत्सव कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, पहले तो हम लोग सोचे बहुत ही सराहनीय काम है, पर जैसे हम लोग को ये पता चला कि जो भी राशन कार्ड धारी हैं और जिसका बीपीएल राशन कार्ड बना है, जैसे एक राशन कार्ड में 20 किलो अनाज राशन धारी को मिलता था, उसी को कार्ड के 5 किलो राशन जो सदर रामलीला ग्राउंड में क्षेत्रीय विधायक द्वारा जो बांटा जा रहा है, तो वो 5 किलो दिया जा रहा है और जो 15 किलो बचता है राशन कार्ड से वो राशन की दुकान में मिलेगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो नौटंकी और ढोकले कार्यक्रम है, इसमें करोड़ों अरबों रुपए अपने विज्ञापन में उनके थैले में लग गए, जिसमें देश के प्रधानमंत्री की फोटो गए और देश प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो गए। आज ये कहीं ना कहीं जनता का पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और नौटंकी करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। अमरचंद बवरिया, कैंट पार्सल, वॉइस ऑफ प्राइड्स के लिए जलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।